इमेज ब्लरिंग, जिस तरह एक 1D डेटा के ऊपर हम कोई भी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, लो पास फिल्टर्स, हाई पास फिल्टर्स, इसी तरह 2D इमेजेस के ऊपर भी फिल्टर्स अप्लाई किए जा सकते हैं। 2D इमेजेस के ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करने के दो आउटकम्स हो सकती हैं, एक तो इमेज से नॉइज रिमूव करना और दूसरी हो सकती है इमेज में ब्लरिंग ऐड करना, इमेज को ब्लर कर देना। अब ये फिल्टरिंग इमेजेस के ऊपर 2D कन्वोल्यूशन के थ्रू अप्लाई होती है। वी विल सी इन दिस ट्यूटोरियल हाउ टू अप्लाई 2D कन्वोल्यूशन ऑन इमेजेस यूजिंग OpenCV। हमने ऑलरेडी OpenCV इंपोर्ट कर लिए, नाउ वी विल इंपोर्ट NumPy। We will read an image. Okay, image जो अब मैं read करूंगी वो है bwimage.jpg। टू डी कन्वोल्यूशन कैन बी अप्लाइड ऑन RGB एज वेल एज ग्रे इमेजेस। अब हम एक फिल्टर बनाएंगे जिसे हम इमेज के ऊपर कन्वॉल्व करना चाहते हैं। ओके, एक NumPy array बनाएंगे ऑफ वंस। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू एवरेज आउट द पिक्सल, मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर एक एवरेज ब्लरिंग अप्लाई करूँ। एक पर्टिकुलर विंडो जो कि मैं यहाँ पर एक सेट करूँगी अपने मैट्रिक्स का साइज, फिल्टर का साइज, उस विंडो में जितने पिक्सल्स हैं उनको एवरेज कर दे। इस तरह से वो एक स्मूदिंग इफेक्ट देगा इमेज के ऊपर। वी विल सी हाउ। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अप्लाई अ कन्वोल्यूशन ऑफ 3x3। मैं टाइप सेट करूंगी क्योंकि हम एवरेज कर रहे हैं, वी विल हैव टू डिवाइड बाय सम नंबर, तो हमें इसकी टाइप फ्लोट सेट करनी पड़ेगी। देन आई वॉन्ट टू डिवाइड विद 3x3, 9। This is our output image after the convolution have been applied. cv.filter2d we have function in OpenCV. इसमें हम source बताएंगे, source हमारा है image, depth is -1 and this is our filter जिसके साथ हम convolution करना चाहते हैं। What it will do is 3x3 की विंडो के अंदर जितने भी पिक्सल्स हैं उनको एवरेज आउट करेगी और जो एवरेज का रिजल्ट आएगा उसे सेंट्रल पिक्सल पे वो वैल्यू असाइन कर देगा और ये विंडो जो है वो पूरी इमेज के ऊपर स्लाइड करती जाएगी और हर पिक्सल की वैल्यू को उसके नेबरिंग पिक्सल के साथ एवरेज आउट करके अपडेट कर देगी।
Now we will see the output of our blurring. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल इमेज था और ये हमारा फिल्टर्ड इमेज है. फिल्टर्ड इमेज में एक हमें ब्लर और एक स्मूथ सी लुक आ रही है, और जबकि जो ओरिजिनल इमेज है वो बहुत ज़्यादा विजिबल है, बहुत ज़्यादा क्लियर है. अब हम अपने फिल्टर साइज को इन्हांस करके देखते हैं हाउ डज इट इफेक्ट द आउटपुट. अब अगर हम अपना फिल्टर साइज 5 सेट करें, नाउ वी विल सी व्हाट इज द आउटपुट. अब हम देख सकते हैं हमारी जो आउटपुट है वो मजीद ब्लर हो गई है. इस फिल्टर को हम एवरेजिंग फिल्टर भी कहते हैं, जो कि इमेज को इन केस ऑफ नॉइज स्मूथ करने के लिए भी यूज होता है. We have few other filters, जैसा कि गॉसियन फिल्टर है, मीडियन फिल्टर है, बायलेटरल फिल्टर है. ये हमने इसको मैन्युअली एक अपना फिल्टर बनाया और उस फिल्टर के साथ कन्वोल्यूशन अप्लाई की ओरिजिनल इमेज की. ओपन सी वी इसके लिए एक प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन भी देती है, जो कि हम देखेंगे वो क्या है. वी हैव आवर इनपुट इमेज. अब हम देखेंगे ओपन सी वी का प्रोवाइडेड फंक्शन जो है विच इज ब्लर. इट टेक्स इनपुट इमेज एंड द साइज ऑफ फिल्टर, जो कि हम अगेन 5x5 सेट कर देंगे. इस केस में हमें खुद से अपना एक कर्नल बनाकर उसके साथ 2D कन्वोल्यूशन अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ब्लर फंक्शन इटसेल्फ ये दोनों काम कर देगा. We have the same output. अब हम देखेंगे few other filters. I will keep this code intact ताकि हमें दोबारा से लिखना ना पड़े. Gaussian blur apply करेंगे. Input image. फिल्टर साइज सिग्मैक्स विल सेट इज 0. गॉसियन ब्लर क्या करता है? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करता है या डेटा को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर आता है. गॉसियन ब्लर बहुत इफेक्टिव है इन केस हमारे पास जो इनपुट इमेज है वो गॉसियन नॉइज की फॉर्म में है. दिस इज यू कैन सी हमारे पास गॉसियन ब्लर की आउटकम. अब हम देखेंगे मीडियन ब्लर को. व्हाट अ मीडियन ब्लर डज, पिक्सेल के अंदर हम फिल्टर उस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जितने भी पिक्सल्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेगा और उनमें से मीडियन फाइंड आउट करेगा, और उस मीडियन की वैल्यू उस सेंट्रल पिक्सल की जगह पे रिप्लेस कर दी जाएगी. मीडियन ब्लर इमेज एंड द साइज our kernel size. Now we can see that the outcome of our median blur. Blurring can be used to surpass or suppress information from an image जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमें इस केस में फॉर एग्जाम्पल वी डोंट वॉन्ट द टेक्स्चर ऑफ द शू, जैसे कि ये
निशान है, वाइट लाइंस हैं, जबकि हमारी आउटपुट में ये वाइट लाइंस डिसअपेयर हो गई हैं। और इसके अलावा ब्लरिंग हम नॉइस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। We will see in next tutorial how to use blurring for noise removal. Thank you for watching.